जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपने करियर के दूसरे ही मैच में 1996 में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों में एक ऐसा शतक लगाया था जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। उस समय वनडे क्रिकेट का यह सबसे तेज शतक था। बता दें दोस्तों, अफरीदी ने उस मैच में 40 गेंदों में 104 रनों की पारी खेली थी, जो सचमुच काफ़ी शानदार थी और काफ़ी जल्दी पारी खेली गई थी उस समय में, क्योंकि दोस्तों बात 1996 की हो रही है, ना कि 2016 से लेके 2021 तक की। आज तो भले से ही 30 गेंदों में 25 गेंदों में शतक लगाने की काबिलियत रखते हों बल्लेबाज, लेकिन उस समय में 40 गेंदों में 104 रन सचमुच मज़ेदार बात है। लेकिन आपको एक और मज़ेदार बात बता दें कि यह थी कि वो जिस बल्ले से उस दिन ये कारनामा किए थे, वो बल्ला शाहिद अफरीदी का खुद का नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का था। जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर दंग हो गए होंगे। दरअसल दोस्तों, आपको पूरी जानकारी दे दें तो ये खबर है शाहिद अफरीदी के उसी बल्ले को लेकर, जहां शाहिद अफरीदी ने जिस बल्ले से 40 गेंदों में 104 रनों की तूफानी पारी खेली थी, वो बल्ला दरअसल सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनिस को गिफ्ट में दिया था। वकार यूनिस ने वो बल्ला शाहिद अफरीदी को बैटिंग करने के लिए दिया था और अफरीदी ने उसी बैट से उस समय वनडे क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगा दिया। अफरीदी के पूर्व पाकिस्तानी टीममेट अजहर महमूद ने इस किस्से को सुनाते हुए दावा किया था कि इसके बाद ही अफरीदी एक बॉलर से पावर हिटर बने, यानी कि उससे पहले अफरीदी की टीम में गिनती एज अ बॉलर के रूप में होती थी, लेकिन पावर हिटर जो लंबे चौके छक्के मारने के लिए जाने जाते थे उसमें गिनती की जाने लगी। लेकिन आपको इनके इस रिकॉर्ड की एक और खासियत बता दें दोस्तों, तो गौरतलब है कि 1996 में अफरीदी का वनडे में बनाया गया शतक सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड था और वो 18 साल तक उनके नाम रहा। 2014 में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 36 गेंदों में शतक लगाकर उनका यह रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हालांकि उसके अगले ही साल यानी 2015 में साउथ अफ्रीका के जबरदस्त बल्लेबाज जिनको मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है, एबी डी विलियर्स ने सिर्फ 31 गेंदों में शतक लगाकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। आज भी वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड डी विलियर्स के नाम ही है और इसे कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन सचमुच कमाल की बात है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के बल्ले से क्या कमाल की पारी खेली शाहिद अफरीदी ने। कह सकते हैं कि उसमें सचिन तेंदुलकर की जो अंदरूनी ताकत है वो समाहित हो गई थी, जिसकी वजह से शाहिद अफरीदी एक कारनामा करने में कामयाब हुए और 18 साल तक वो रिकॉर्ड उनके नाम रहा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।